मंडी जिला के जंजहली में एसडीएम कार्यालय की अधिसूचना रद्द किए जाने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह निर्वाचन क्षेत्र में भड़की विरोध की चिंगारी ने आग का रूप ले लिया है। इस विरोध के आगे प्रशासनिक आमले के प्रयास भी विफल होते नजर आ रहे हैं। पिछले 13 दिनों से जंजहली में एसडीएम कार्यालय खोलने को लेकर स्थानीय जनता सड़कों पर है। इसी मुद्दे पर आक्रोशित लोगों की भीड़ ने मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाली। इसके बाद खड्ड के किनारे शव का अंतिम संस्कार तक किया। इस शव यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी, बल्कि 2 दिन पहले ही सरकार ने थुनाग में एसडीएम कार्यालय की अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन जंजहली निवासी इस अधिसूचना से भी नाखुश हैं और जंजहली में एसडीएम कार्यालय की मांग कर रहे हैं। जंजहली से कार्यालय छीनने के इस मामले का समाधान सीधे मुख्यमंत्री से मांगा जा रहा है। पर्यटन नगरी जंजहली में करीब 2 सप्ताह से आंदोलन चल रहा है, लेकिन जन आक्रोश इस कदर भड़केगा इस बात का अंदाजा कतई नहीं लगाया जा रहा था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस मामले में हर दिन सफाई तो दे रहे हैं कि कोर्ट के आदेशों के चलते एसडीएम कार्यालय जंजहली में नहीं खोला जा सकता, लेकिन जनता के ऊपर मुख्यमंत्री की इस सफाई का भी कोई असर नजर नहीं आ रहा है। सरकार के खिलाफ ये जो आंदोलन चला है आज ये 13वें दिन में पहुंच गया है, लेकिन हमारे सीएम साहब के कानों तक अभी जूठी तक नहीं रही है। लेकिन जनता का ये कहना है, सीएम साहब से ये बात हुई थी कि आपने राज्य की जनता को ये आश्वासन दिया था कि जब कोर्ट खुलेंगे हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन हमने ये सीएम साहब से ये पूछा कि आपने जो जनता को ये आश्वासन दिया था, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपको बीच में ही ये नोटिफिकेशन एक नई इशू करनी पड़ी। उनका ये कहना था कि मैंने आपको पहले बोला था कि ये धरने प्रदर्शन बंद कीजिए। हमने पूछा क्या रंजिश के तहत ये आपने ये काम किया है, अगर हाँ अगर रंजिश के तहत ये काम किया है तो लोग जंजहली की जनता का सराज की जनता का गुस्सा है, ये जो आंदोलन ये आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में इसमें हर तरह के लोग शामिल हो रहे हैं और उनका ये मानना है कि हम इस तरीके से हर तरीके से जंजहली में सरकारी ऑफिस जितने भी चलते बिलिंगली इसका बहिष्कार करेंगे और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानते हैं हम उनका शोषण बहिष्कार करेंगे।